आजकल 90% जो बिजनेसेस हैं उनके फेल होने का मेन रीज़न जो है वो यही है कि सही डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाना। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप हिमालय पे जाके आइसक्रीम बेचेंगे, हिमालय पे जाके अगर आप आइसक्रीम बेचेंगे तो वहाँ कोई नहीं खरीदेगा। ऑब्वियसली आपने कितना भी अच्छा सेटअप किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन हिमालय पे जाके अगर आप आइसक्रीम बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। सेकेंड थिंग है, अगर आप राजस्थान में जाके अगर आप स्वेटर बेचेंगे तो राजस्थान में स्वेटर कोई नहीं लेगा, राइट? क्योंकि रीज़न ये है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, वहाँ पे डिमांड कैसा है और उसका सप्लाई कैसा है वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे कि आप राजस्थान में जाके अगर आप आइसक्रीम बेचेंगे तो आपकी आइसक्रीम भले आपका सेटअप कितना भी लोअर रेट का हो, आप आराम से हो, आपकी आइसक्रीम चलेगी। सिमिलर हिमालय में जाके अगर आप चाय बेचेंगे या कोई गर्म चीज़ बेचेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन बिजनेसेस आज फेल इसलिए हो रहे हैं कि लोग ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ खोल लेते हैं जहाँ पे उसको वो चलने का कोई स्कोप नहीं होता है, राइट? तो आपको रीज़न ये है कि आपको पहले देखना है कि आपकी डिमांड क्या है, आपके एरिया की डिमांड क्या है। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे छोटा बड़ा कोई भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि उसकी डिमांड क्या है। लाइक आपका शहर है, आपको लगता है आपका घर है, आप उसके आसपास देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास देखिए कि अगर कोई चाय की दुकान नहीं है, एक एक दो दो किलोमीटर के रेडियस में आपके पास कोई चाय की दुकान नहीं है, कोई खाने की दुकान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, चाय की दुकान खोलिए, वहाँ पे चाय की होटल खोल सकते हैं, आप ये खाने का ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का आप खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका बिज़नेस ज़रूर चलेगा। सिमिलर वे में आप देख सकते हैं अभी जनरली चल रहा है कि कई दुकानों पर जैसे आसपास कई चीज़ों में लोगों के फ्लैट्स बन रहे हैं या गांव के एरिया में ऐसे फ्लैट्स लोग बिल्डर्स बना देते हैं, बट उन एरिया में एक्चुअली प्रॉपर सुविधाएं या कन्वीनियंस नहीं होता है। तो उस एरिया में आप डिमांड देख सकते हैं कि आप ऑटो की सुविधा है या नहीं, आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो मेन हमारा रीज़न ये फेल होने का ये है कि हम डिमांड और सप्लाई को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आप डिमांड और सप्लाई को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपका बिजनेस 109% है, आपका चलेगा ही चलेगा। सेकंड थिंग फेल होने का ये है कि आपका कॉम्पिटिटर होना। आपका अगर कॉम्पिटिटर है किसी एरिया में, आपने शॉप खोली है कि आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है, तो आपको बेटर होगा कि आपको कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चलना होगा, राइट? अगर आपका कॉम्पिटिटर एक चीज़ अच्छी बेच रहा है, 90% क्वालिटी की बेच रहा है, तो आपको 95% क्वालिटी की वो चीज़ बेचना पड़ेगी, कम दाम में बेचना होगी। अगर आपको लगता है कि आपका ऑनर और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा प्राइस में दे रहा है और वही चीज़ कम प्राइस में मिल रही है, आप दूसरी जगह से ला के उसको सेल कर सकते हैं, तो आपको उस कॉम्पिटिटर को कॉम्पिट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी देना पड़ेगी और उसी वे में आपको कॉम्पिटिशन करना होगा। तो मेन रीज़न ये, एक तो डिमांड सप्लाई फुलफिल नहीं होना, और सेकेंड थिंग है कि आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में आपका खड़ा ना हो पाना। तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखना होती है, डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखना होता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में ऐसा हो गया कि आज कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आपने खोल लिया बिजनेस, ओपन कर लिया, नो मैटर, बट आपका बेचने के बाद आपका कस्टमर कितना खुश है वो फीडबैक लेना ज़रूरी है। आजकल कई बिजनेसेस भूल जाते हैं कि उनको कस्टमर से फीडबैक भी चाहिए, तो कस्टमर से फीडबैक लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा था। नो डाउट वो अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, लेकिन आपको एक फीडबैक होगा आपके पास। 10 में से एटलीस्ट 3 से 4 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे, जेन्युइन फीडबैक देंगे उस चीज़ का कि नहीं इसमें ये चीज़ प्लस होना चाहिए। तो आप उन 3 से 4 जेन्युइन फीडबैक को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका बिजनेस इजीली ग्रो करेगा, इजीली चलेगा, नो मैटर।